तो दोनों सब्जियों में थोड़ा थोड़ा नमक कम है। जसलीन अच्छी बनाएगी। मम्मी कह रही है कि जसलीन देख तेरे को पहले ही कॉन्फिडेंस दे रही है। आंटी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आंटी अच्छी बनाएंगी। हाँ जसलीन आ रहेगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है? तो आज करने वाले हैं हम एक चैलेंज वीडियो। चैलेंज होगा इन दो महारथियों के बीच में। बाद में पता चलेगा कि ये महारथी है कि नहीं है। मम्मी आप पहले डरे डरे क्यों लग रहे हो? तो चैलेंज होने वाला है, ये लोग बनाने वाले हैं मेरी पसंद की एक सब्जी, क्योंकि हम हो गए हैं 2.5 मिलियन ऑन यूट्यूब एंड ऑल्सो 1.1 ऑन इंस्टाग्राम। 1.1 या थैंक यू सो मच। होने वाले इस खुशी में ये लोग बनाने वाले हैं मेरी पसंद की एक सब्जी। क्या है वो तो बता दो, क्या पसंद भी तो इतनी सारी चीजें हैं इसको। मुझे आज स्पेशली खाना है पनीर से रिलेटेड कुछ, तो वो इन दोनों के ऊपर है। ये अपनी स्पेशलिटीज में क्या बनाती है पनीर से रिलेटेड, तो चलो तैयारियां शुरू करते हैं। क्या बनाने वाली है? मैं वही पूछ रही हूँ आंटी से कि क्या बनाना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मम्मी क्या सोचो क्या बनाओगे? मैं शाही पनीर बना देती हूँ। शाही पनीर बनाओगे? मैं क्या शाही पनीर, मतलब फिर तो दो दो शाही पनीर ही हो जाएंगे। ठीक है दोनों बराबर, देखते हैं किसकी बढ़िया बनती है। आपको तो आती है, मुझे नहीं आती। हेलो हेलो हेलो, ओ हेलो लेडीज। चीटिंग नहीं करनी है, ना ही मम्मी आप, ना ही मम्मी आप इसको कोई चीज बताओगी। और ना ही बता नहीं रही है आंटी, ये बोल रही है कि पनीर नहीं है, आपने सडन बोल दिया। मैं मसाले चेक करूं क्योंकि मैं कुछ और यूज़ करती हूं। जो भी है ना मैं दिला लाता हूं। चलो मम्मी क्या नहीं है? पनीर भी नहीं है। पनीर नहीं है, चलो मैं दिला के लाता हूं। टमाटर वगैरह सब कुछ लेके आना। अपने अपने सामान ले लो, आपस में बात नहीं करो। तो एक बार पूछे नहीं, आपस में डिस्कशन नहीं करो। हाँ ठीक है। कॉम्पिटिशन होने वाला है मम्मी और जसलीन के बीच में, तुझे क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मम्मी जसलीन। पापा आप बताओ आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जसलीन। पापा अंकल कह रहे हैं मुझसे पूछ लो कैसे बनती, एक दिन अंकल के साथ चैलेंज करूंगी। जसलीन अच्छी बनाएगी। मम्मी कह रही है कि जसलीन देखते को पहले ही कॉन्फिडेंस दे रही है। आंटी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आंटी अच्छी बनाएंगी। आप कह रहे हो ये अच्छी बनाएगी, ये कह रही है कि आप अच्छे बनाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन अच्छा बनाएगा। जहाँ आंटी कह रही है वहाँ से पनीर ले लो, आपको खाने से मतलब है, फिर कहेगा कि बढ़िया नहीं है, दोष मत निकालना। जहाँ जहाँ बोलोगे वहाँ ले चल रहा हूँ। अच्छा ये तो आंटी ने सही बोला है कि कुछ इनाम तो रखो, तो इनाम में ऐसा करो कि आप हमें बढ़िया सी जगह घुमाने ले जाना, चाहे आंटी जीते चाहे मैं जीतने, तो घर वालों नहीं है, ट्रिप तो अपनी फिक्स है, कहीं से लेके जाओ हम। चलो ठीक है, अगर तुम लोग जीते तो हम यहाँ से फिर देखते हैं हम लोनावला का प्लान। अगर हम जीतेंगे तो लंदन चलेंगे। चलो आ गए हम आंटी की फेवरेट जगह पे पनीर लेने। 200-200 ग्राम पनीर ले रहे हैं और मसाले आंटी सब कुछ है, सब कुछ है। मेरा वाला गरम मसाला मैं पहले ही खरीद रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ। अब लेने हैं हमें प्याज और सब्जियाँ। जसलीन मुझे थोड़ी पितर पितर लग रही है। मैं बना रही हूँ कढ़ाई पनीर, तो मैं ढूंढ रही हूँ उसमें डलता क्या, मैं खुद भी तक तो भुर्जी बना रही थी, अब तो कढ़ाई पनीर बना रही है, तो क्या क्या अच्छा ही बनाऊंगी ना। तो मुझे लग रहा है मम्मी सामान लेके रेडी हो गए हैं। मम्मी आपने सारा सामान ले लिया अपना? सब सामान ले लिया। इसको बताना तो नहीं आपने क्या क्या लेना है? नहीं अपना नहीं बताओगे? डिस्कस नहीं करते अपने फ्लेवर। तो दोनों प्रतियोगी थी तैयार, प्रतियोगी होता है आप दोनों, एक नंबर दोनों प्रतियोगी तैयार हैं अपना सामान अपने हाथ में लेके। आंटी ने लिया हाथ में, मैंने कहा लिया? हाँ तू तो अपना बोले के चल रही है ना एटीट्यूड। ये जितना विहान मेरे मजे ले रहा है ना अभी, मैं बता रही हूँ जब कढ़ाई चढ़ेगी ना फिर पता चलेगा कौन प्रो है। मुझे अब कौन पहले। तो हम घर आ गए हैं, अब जा रहे हैं किचन में फटाफट से। पता चक्कर क्या, दोनों के फ्लेवर में ना डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि जसलीन जो है तो पंजाबी थोड़ा टाइप तड़का लगाएगी और मम्मी जो है थोड़ा मारवाड़ी टाइप तड़का लगाएंगी। दोनों प्रतियोगी अपने कॉम्पिटिशन के अगले पड़ाव पर अपनी अपनी सब्जियाँ छीलते हुए। अभी तक तो तूने सब्जी बनाई नहीं, तुझे अपनी नानी पहले याद आ गई प्याज काटने में। तो आंसू आ रहे तीखे हैं। सब्जी तीखी ना हो बिकॉज आई डोंट लाइक स्पाइसी। तो मेरी प्लेट रेडी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं तड़के वड़के तैयार कर लेती हूँ। आंटी की कढ़ाई और ये है मेरी, और ये थी मेरी प्लेट। आपकी प्लेट रेडी है? दिख रेडी है। देखो ये सब्जी बनाएंगे, मेरे को ये नहीं पता है स्टॉप बाहर से बंद है। आंटी के घर में देसी घी यूज होता है, इसलिए आज मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। और अब क्या करेंगे इनका? ये अभी हल्के से पहले इन्हें भूनूंगी, मैं पहले मिक्सर में पीस लूंगी। तो जसलीन और मम्मी के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है खाने का, हाँ, तो तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? तो अभी खा के पता चलेगा ना, एक आइडिया फिर भी। एक जसलीन लग रही है।
तो जो जसलीन और मम्मी के बीच में कंपटीशन होने वाला है खाने का, उसके बीच में तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? जसलीन। मैं आपकी साइड हूँ मम्मी, आप टेंशन ना लो, आप ही जीतोगे। मैं भी आप ही की साइड हूँ आंटी, आप बेस्ट हो। दोनों की कढ़ाइयाँ चढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट भून चुका है ये। इसी मत कराइयो। आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू टुडे। ये तो मास्टर सेफ है ना। आप हो आंटी, आप एक्सपीरियंस हो यार, ऐसे मत बोलो। मुझे दोनों अलग अलग फ्लेवर है। एक्सपीरियंस जो है वो एक अलग जॉनर में, मतलब एक होता ना कहते हैं, एक अलग एक्सपर्टीज है, और जो जो अभी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, वो एक नया फ्लेवर लेके आती है जिंदगी में, तो दोनों के चांसेस इक्वल है। मुझे ऐसे लग रहा है जसलीन इसलिए कह रही है बार बार कि मैं नए कुछ नया ट्राई करूँ, ताकि अगर बेकार हो तो ट्राई कर रही थी। देखो पूरा खानदान आ गया है इसका मोरल सपोर्ट करने यहाँ पे, हमारे ग्रुप के तो यही है, हम इसको सपोर्ट करेंगे भाई। तो दोनों कॉम्पिटिटर्स बराबरी में लगे हुए हैं, और जसलीन थोड़ी आगे चल रही है बनाने के मामले में, स्पीड के मामले में अगर बात करें, और टेस्ट के मामले में। बाकी जो जो मुझे खुशबू आ रही है घी की, वो मम्मी वाले इसमें ज्यादा आ रही है। ये चटनी पीसने से कुछ याद आया जसलीन? तो जसलीन ने जब पिछली बार चटनी पीसी थी तो मैं बताता हूँ क्या हुआ था। ये देखो, ये हुआ कुक हमारी आज ये शाही पनीर की सब्जी बना रही थी, और इन्होंने ये हाल मचा लिया अपना। देखो कुक क्या कह रहे हो, अंकल कह रहे हैं जसलीन ही आ रहेगी, एक्सपीरियंस जीतेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी जीतेंगी, पता है क्यों? क्योंकि शाही पनीर जो है वो ज्यादा फेवरेबल सब्जी है सबकी, है ना, पसंदीदा कढ़ाई पनीर है, तो है। इसीलिए मैं ज्यादा मम्मी के फेवर में। मेरे को जब पता चला आंटी, मैंने कहा आंटी जीतेंगी। देखा, क्योंकि वही टेस्टी लगता है वो। मैंने किचन से सुन लिया ये सारे शाही पनीर की तरफ उड़ गए हैं, आंटी की तैयारियां चालू, और अंकल आप भी शाही पनीर की तरफ हो। कढ़ाई पनीर और थोड़ा सा बनाऊंगी ताकि तुम्हें मिले ही, थोड़ा सा बनाएगी ताकि ताकि टेस्ट करने जितना भी ना मिले लोगों को पता ही ना चले कैसी बनेगी। मेरे मसाले ऑलमोस्ट रेडी हैं, मैं इधर इसको ग्राइंड कर चुकी हूँ। ये रहा मेरा पेस्ट और ये रहे मेरे सब खड़े मसाले। तो मेरा ऑलमोस्ट सब मसाले और वेजिटेबल्स जल चुके हैं, आंटी की भी हो यम लग रहा है, लगता है जीतने की पूरी तैयारी है। पनीर डाल दी है, कस्तूरी मेथी भी डाल दी है, सब कुछ आंटी ने डाल दिया है, ऑल सेट। तो काफी कलरफुल सब्जी लग रही है, और ये भी काफी कलरफुल लग रही है, पर ये थोड़ी कच्ची लग रही है, ये थोड़ी पकी हुई लग रही है। तो ये कह रही है कि अभी इसको 20-25 मिनट और लगने वाले हैं। 5 मिनट ये है हमारे पहले जज, दूसरे, तीसरे एंड चौथे, और सबसे इम्पोर्टेंट अंकल। अंकल सच सच रिव्यू देना, ठीक है? इन पे तो डाउट है, ये बच्चे बेकार हैं। अरे हमारा रिव्यू एक नंबर होगा, टेंशन मत ले, सामान लेके आओ, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। कड़वा लगा तो हमारा दोष नहीं। आ जाओ लड़कियों, चपाती दो पीस शाही पनीर खाएंगे। Are you nervous? I am not. तो पहले हम ले रहे हैं मम्मी की सब्जी की एक बाइट, सारे शाही पनीर। चलो कैसी है? बस अभी कोई रिव्यू मत देना, हमने चख लिया है। बारी है मेरी सब्जी की, ले लो पूरा मसाला वसूला लगा के, प्लीज सिर्फ पनीर नहीं। पहले सबकी बाइट, सब बाइट लेते हो, देख लो भाई ये जसलीन की सब्जी की बाइट। तो दोनों सब्जी में थोड़ा थोड़ा नमक कम है, अगर थोड़ा थोड़ा नमक दे दोगे तो फिर मैं अच्छे से जज कर पाऊंगा। हाँ तू बता। आंटी का जो है वो एकदम लाइट मसाले है, और चीना का तो वो जैसे पंजाबी तड़का होता है, तो जसलीन का वो है, इसलिए जसलीन। मेरी तरफ से वोट जिसको जाता है वो है आंटी को, एकदम लाइट मसाला, बढ़िया। तू बता, और तू तो ऑब्वियस है मम्मी। अंकल आप? मैंने दोनों का बढ़िया लग गया, दोनों का बढ़िया। एक एक बताओ, मेन बताओ, एक
दोनों इतना बढ़िया है ना, खुश का भी नहीं कर सकते। बोलो जल्दी बोलो, ये किसकी है? आंटी की। अभी बस बयान रह गया, सबके हो गए हैं, तो मुझे लगता है आंटी की ही होगी, क्योंकि वो आंटी बनाती है, वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया कढ़ाई पनीर। मैं बोल रही हूं जसलीन, 20 बार ये कही मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। नहीं तो सच बात है, झूठ नहीं बोल रही मैं। जसलीन के जो फ्लेवर है वो थोड़े खड़े खड़े फ्लेवर हैं, क्योंकि कढ़ाई पनीर की सब्जी है, और मैंने बोला था कि पलड़ा भारी मम्मी का रहने वाला है, क्योंकि शाही पनीर मेरी फेवरेट है। लेकिन जो मैं एक पॉइंट है वो इसमें मैं जसलीन को देना चाहूंगा, क्योंकि उसने कुछ नया ट्राई किया। मम्मी ने तो अपने वो ना अपनी पकड़ पे चीज बनाई है जो मम्मी को स्पेशली आती है, जसलीन ने कुछ नया ट्राई किया, फॉर दैट आई विल गिव इट टू जसलीन। इस हिसाब से आंटी विनर है। हम नहीं बेटा, हम दोनों भी तो टेस्ट करेंगे ना, तभी पता चलेगा। अच्छा, हम दोनों भी वोट देंगे। तो पहले जसलीन कर रही है शाही पनीर की सब्जी टेस्ट। सर्व करो आंटी। ये लो बस एक स्पून खा ली। ओके, स्पून ले लेता हूं। अपनी खा ली, अपने के लिए भी। अच्छी लग रही है, दोनों बहुत सेम है, पनीर है ना, दोनों सेम ही टेस्ट दे रहे हैं। बट अभी आंटी का आंटी की अच्छी है। चलो मम्मी की अच्छी है, मम्मी आपकी। इसमें मैंने मसाला ज्यादा रोस्ट नहीं किया, मेरे को कच्चा अच्छा लग रहा है। मैंने रोस्ट नहीं किया मसाले, जैसे कुछ तो शायद मुझे जसलीन वाली ज्यादा अच्छी लगी। अरे अरे सही में नहीं, मुझे लगी है। तो चैलेंज कंप्लीटेड, विनर डिक्लेयर हो चुका है, कंपटीशन जीता है मम्मी ने। तो फाइनली जीत हुई है एक्सपीरियंस की, बाकी मैंने भी यही बोला था एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जीतेगा हमेशा। तो शर्त अनुसार हमें एक ट्रिप प्लान करनी है, तो हम शायद ट्रिप पे जाएंगे लोनावला। शायद नहीं, हम जाएंगे। तो हम ट्रिप पे जाएंगे लोनावला वेरी सून। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो हम क्या चैलेंज करें वो भी जरूर कमेंट्स में ड्रॉप करना। थैंक यू।